विदिशा संसदीय क्षेत्र में शामिल रायसेन जिले की 3 विधानसभा सांची, भोजपुर और सिलवानी के 918 मतदान केंद्रों पर मंगलवार शाम 6 बजे वोटिंग थम गई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग कतार में नजर आए। जिले की 3 सीटों भोजपुर, सांची, सिलवानी पर 73.15% से ज्यादा मतदान हुआ। वनांचल क्षेत्र प्रतापगढ़ में राजा राज प्रताप सिंह ने परिवार सहित मतदान किया। साथ ही ग्राम प्रतापगढ़, अमगवा, पापड़ा, शाला बर्रू, पोनार, चैनपुर, पोड़ी, खमरिया में जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही सिलवानी में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। बुजुर्ग भी मतदान के लिए उत्साहित नजर आए। वहीं ग्राम सियरमऊ, डावरी सहित क्षेत्र में भी लोगों ने तपती गर्मी की परवाह न करते हुए मतदान किया। वहीं मतदान थमने के बाद मतदान दलों के लौटने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। रायसेन के दशहरा मैदान पर ईवीएम मशीन को जमा किया जा रहा है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन को रखा जाएगा। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाएं शामिल थी, जहां पर 7 मई 2024 की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और मतदान का प्रतिशत ने प्रशासन को काफी उत्साह में ला दिया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि मतदान का प्रतिशत कम जाएगा, भीषण गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा था। लेकिन ओवरऑल 8 विधानसभा क्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र जिससे बना है, उसमें देखा जाए तो 70% से अधिक मतदान हो गया है और मतदान दलों का पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और रायसेन के मतदान केंद्र क्रमांक 121 का मतदान दल आ गया, जिसका ADM श्वेता पवार और तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह द्वारा स्वागत किया गया। उन पर फूल बरसाए गए और सभी का तालियों से अन्य जो मतदान कर्मियों ने भी स्वागत किया जो इसमें ईवीएम के जमा करने में लगे हुए हैं। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम बनाया, यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा जाएगा और 4 जून 2024 को यह फैसला होगा कि विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से सांसद जनता किसको चुनती है। और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ईवीएम को जमा करने के लिए और मतदान दलों का मतदान की प्रक्रिया कराए जाने के बाद लौटने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रगति पुस्केले है। मेरी ड्यूटी सांची 142 सांची लोकसभा में लगी थी और मेरा जो केंद्र था वो 120 नरापुरा था, नवीन शासकीय प्राथमिक शाला। यहाँ पे आए तो सामान भी बहुत जल्दी मिल गया हम लोगों को, जब सामान रिसीव करना था गाड़ी थी बकायदा, वो लेके गई, छोड़ने गई हमको, वहाँ तक पूरी सिस्टमेटिक थी। साफ़ सफाई भी अच्छी थी, वॉशरूम थे प्रॉपर एज यूजल गर्ल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, पंखे लगे थे, प्रॉपर वेंटिलेशन था, लाइटिंग थी, तो बहुत अच्छे से हमारा कार्य संपन्न हुआ। रुकने की व्यवस्था अच्छी थी, अच्छे से हम लोग रेस्ट भी कर पाए रात में। दिन भर मतदान बहुत अच्छे से हुआ, सुकून से शांतिपूर्वक 68% मतदान हुआ है और वोटिंग भी हमारी मतलब 1115 वोट में से 762 वोट्स कास्ट हुए, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी है ये। और साथ में हम लोग यहाँ पे जब वापस आए तो हमको विद इन 10 मिनट्स सारा सामान हमने जमा कर दिया, जबकि पिछले काफ़ी सारे मतदान में बहुत सारा टाइम 3-3:30 बजे रात में भी हम लोग फ्री हुए हैं और जबकि अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं और हम लोग फ्री हो चुके हैं। यहाँ पे खाने की जो स्वल्पाहार की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है, तो फाइनली सारा कुछ बहुत अच्छा रहा और मैं कलेक्टर सर को और बाकी सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कंचन कैमरानी है। आज मेरी मतदान के नंबर 197 पर ड्यूटी लगी थी, जिसे हमने प्रसन्न प्रशासन को और कलेक्टर महोदय को बहुत बहुत बधाई। आभार प्रकट करना चाहती हूँ।